हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिता की किचन से। फ्रेंड्स, आज मैं हरियाली आलू की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो उसके लिए मैं एक मिक्सी जार में आधा कप हरा धनिया, जो कि मैंने धोकर साफ़ कर लिया था और मोटा मोटा कट कर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च, या फिर आप कम खाते हैं तो कम भी ले सकते हैं, और 2 छोटे अदरक के टुकड़े, और यहाँ पर 15 से 20 लहसुन को मैंने छील कर लिया है, और 2 छोटी चम्मच साबुत धनिया, तो वो ऐड कर देंगे। और इसमें साथ में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग, और थोड़ा सा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। और फ्रेंड्स, ये ग्रीन पेस्ट बनाने के लिए आप पानी की जगह थोड़ी सी दही भी डालकर पीस सकते हैं, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है। या फिर आप हरा धनिया लिया है आपने, थोड़ा सा आप पालक भी ले सकते हैं, वो भी पीस सकते हैं, उससे भी हरियाली आलू की टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए, एक मैंने दरदरा सा पेस्ट तैयार कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैंने वो जो जार था वो उसको खाली कर लिया, और 2 टमाटर लिए, उसका भी हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए, टमाटर को भी मैंने पीस लिया है। तो चलिए मैं आपको आगे बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 7 से 8 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको छील कर इस तरीके से मैंने कट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनको मैंने 70 से 80% ही बॉयल किया है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए, अब हमें इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। जितना आलू फ्राई हो सके उतना ही हम ऑयल लेंगे, ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब इसमें ये जो मैंने आलू को बॉयल करके रखा था वो डालेंगे, और इनकी कोटिंग सेट होने तक हम इन आलू को फ्राई करेंगे। आप चाहें तो कच्चे आलू भी फ्राई कर सकते हैं, पर थोड़ा सा आप बॉयल कर लेंगे तो उससे सब्ज़ी में टेस्ट और अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, मीडियम फ्लेम पर मैंने इन आलू को फ्राई करा है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी कोटिंग सेट होने लगी है। अभी थोड़ी सी और कोटिंग सेट करेंगे हम। तो ये देखिए, हमारे जो आलू है वो फ्राई हो गए हैं। तो बाकी के आलू भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सभी आलू को फ्राई कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पर ऑयल बच जाता है कढ़ाई में, अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप थोड़ा ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 लार्ज साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। इनको हम ट्रांसपेरेंट होने तक मीडियम फ्लेम पर इन प्याज को फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से थोड़े से हमारे पिंक कलर के हो गए हैं प्याज, थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो ये हमारे प्याज बिल्कुल तैयार है। इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, अभी भी ऑयल हमारा बचा हुआ है। तो इसमें 1/2 चम्मच के करीब जीरा ऐड करेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, 1 जावित्री का टुकड़ा ऐड करेंगे, और 2 हरी इलायची क्रश करके, और 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च वो ऐड कर देंगे, और इन मसालों को हम भून लेंगे। इसमें ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं होता है, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, और ये मैंने अपने खुद के स्टाइल में बनाई है। तो ये अब हमारा जो मसाला था वो भून कर तैयार हो चुका है, और ये हमने जो ग्रीन पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। इस ग्रीन पेस्ट को हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए, या फिर बीच बीच में चलाते हुए, इस पेस्ट को हमें भूनना है। तब तक भूनेंगे जब तक कि ये पेस्ट ऑयल ना छोड़ दे। अब देखिए, थोड़ी ही देर में ऑयल रिलीज़ हो गया है, पेस्ट हमारा भून चुका है। तो ये हमारा बिल्कुल पेस्ट तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, मसाले कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। बस हल्दी की जो मात्रा है वो थोड़ी कम रहनी चाहिए, क्योंकि हम बना रहे हैं हरियाली आलू, तो उसमें हरा कलर आपको दिखना चाहिए। अगर आपको इस सब्ज़ी के अंदर और ज़्यादा हरा कलर चाहिए तो आप पालक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने टमाटर को पीस कर रखा था वो ऐड कर देंगे, और इस मसाले को मीडियम फ्लेम पर दोबारा से भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल अच्छे से रिलीज़ ना हो जाए मसालों के अंदर से। अब आप देख सकते हैं, थोड़ी देर लगी है मसाला भूनने में, पर हमारा जो मसाला है वो भूनकर रेडी हो गया है। अब ये जो हमने आलू और प्याज को फ्राई करके रखा था, इनको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप, मीडियम फ्लेम कर दिया है मैंने यहाँ पर गैस का, और इनको मिक्स करने के बाद में 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही इनको भूनेंगे कढ़ाई में। तो
तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे, और इनको मैंने हल्के हाथों से भूना है। भूनने के बाद ही आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो पानी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है आपको तो कम पानी यूज़ कीजिएगा, अगर थोड़ी पतली बनानी है तो थोड़ा ज़्यादा पानी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी का ही यूज़ किया है, और थोड़ा सा नमक डालेंगे हम स्वाद के अनुसार। और इस सब्ज़ी को मैंने पूरी के साथ सर्व किया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये मैंने 1 चम्मच पूरा भर के किचन किंग मसाला ऐड किया है, उससे ही सब्ज़ी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी के साथ मैंने इस सब्ज़ी को सर्व किया था, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर रेडी हुई थी। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और कढ़ाई को कवर करेंगे, और 15 मिनट के बाद ये देखिए 15 मिनट तक इस सब्ज़ी को मैं लो फ्लेम पर बिल्कुल पकाना है। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आपको सब्ज़ी के ऊपर दिख रहा है, तो समझिए हमारी बिल्कुल सब्ज़ी तैयार है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और फ्रेंड्स इस सब्ज़ी का जो कलर है वो ग्रीन है, बस वीडियो में थोड़ा सा येलो आ रहा है क्योंकि हमने हरियाली आलू बनाए थे, तो ग्रीन है इस सब्ज़ी का कलर। और फ्रेंड्स अगर मेरे स्टाइल में बनाई हुई आपको ये हरियाली आलू की सब्ज़ी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।